तो क्या आप सर्च इंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्च इंटेंट को समझना कितना ज़रूरी है और अपने कंटेंट को उसके लिए ऑप्टिमाइज़ करना एज बिजनेसेस हमारे लिए कितना ज़रूरी है फॉर बेटर ब्रांडिंग एंड आरओआई। सो हे गाइस, माय नेम इज शुभजीत रतन, करंटली वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटर हियर एट एसईओ डिस्कवरी। तो बहुत सारे लोग गूगल पर सर्च इंजन पर बहुत सारी वेब सर्च क्वेरीज कर रहे हैं, बट उनके पीछे उस सर्च क्वेरी को करने का रीज़न अलग अलग है। किसी को कोई चीज़ खरीदनी है, कोई किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उस पर्टिकुलर वेब सर्च क्वेरी के लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप गूगल के एल्गोरिदम्स को आप समझने की कोशिश करोगे तो जहाँ पर एक ही टॉपिक पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे वेब पेजेस हैं, तो गूगल अपने यूज़र के लिए एक पर्टिकुलर वेब सर्च क्वेरी के बेस पर बेस्ट रिजल्ट सर्व करना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन इज़ हाई, तो उस केस में आपको सर्च इंटेंट के लिए अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको सर्च इंटेंट को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशनल इंटेंट, सेकंड इज़ बाइंग और ट्रांजैक्शनल इंटेंट। इंफॉर्मेशनल इंटेंट में यूज़र एक पर्टिकुलर क्वेरी करता है एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू लूज़ वेट। अब इस क्वेरी के बेसिस पर आप अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो कि सबसे पहले आपका जो मेटा डेटा है, जो कि सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर दिखता है, आप उनको क्रिएटिवली लिखो। मेटा टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन आपको कैची लिखना पड़ेगा ताकि यूज़र उसको क्लिक करके आपके मेन पेज पर आए। उसके बाद आपको अपनी हेडिंग्स और बाकी की सब हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा अपने कीवर्ड्स के लिए, जिसके लिए आप रैंक करना चाह रहे हो। एंड सेकेंडली, आपको जो यूज़र फ्रेंडलीनेस है उसको मेंटेन करना है कि आपका जो कंटेंट है उनको पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है प्रॉपर, और अपने ग्राफिक्स का यूज़ करना है, वीडियोज़, फोटोज़ एंड जिफ्स। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इन डेप्थ कॉन्टेंट प्रोवाइड करना है। थिन कॉन्टेंट गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि अगर थिन कंटेंट होगा यूज़र का इंटेंट सेटिस्फाई नहीं होगा, वो आपके कॉम्पिटिटर वेबसाइट पर चला जाएगा। और अब एज अ बिजनेस आपको इन्फॉर्मेशन इंटेंट सेटिस्फाई करना क्यों ज़रूरी है? फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है कि आप एक ट्रेडमिल सेल करते हो फॉर लूजिंग वेट। अब अगर आप एक ब्लॉग लिखते हो हाउ टू लूज़ वेट, उसके बेसिस पर हम इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं आपके सर्विस पेज पर, जिससे आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी, लोग आपके बारे में जान पाएंगे, राइट? अब दूसरा आता है कमर्शियल इंटेंट, जहाँ पर आपको क्या करना है कि बाकी की डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके सीधे आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में डायरेक्टली लिखना है, जिसमें अगर आपका एक प्रोडक्ट है तो आप एक क्लियर सी हेडिंग, उसकी इमेज, बुलेट पॉइंट्स में उसके बेनिफिट्स, और किस तरीके से यूज़र्स बाकी के, यानी कि रिव्यूज़ आप उसमें डाल सकते हो कि यूज़र्स बाकी के किस तरीके से बेनिफिट किया है आपके प्रोडक्ट और सर्विस से, और एक क्लियर कॉल टू एक्शन। सो इस तरीके से आप जब आप अपने सर्च इंटेंट के लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हो तो यूज़र्स आपके बिजनेस के बारे में जान पाते हैं, आपकी ब्रांडिंग होती है, और धीरे धीरे गूगल को सिग्नल पहुंचने शुरू हो जाते हैं कि दिस पर्टिकुलर वेब सर्च क्वेरी के लिए ये जो रिज़ल्ट है ये बेस्ट है, क्योंकि यूज़र की एंगेजमेंट इनके लिए बहुत अच्छी है। और धीरे धीरे आप रैंकिंग में भी ऊपर आते रहते हो, जिससे आपका ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है और आपकी ब्रांडिंग तो हो रही है। तो दिस इज़ द सर्च इंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सर्च इंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मैंशन कीजिएगा, एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट अपकमिंग इन्फॉर्मेशन वीडियोज़।